नमस्कार। न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर दिनों दिन तीखे होते जा रहे हैं। जबलपुर में उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कलेक्टर को न केवल फटकारा बल्कि उनकी क्लास लगाते हुए ये भी कहा कि आयुष्मान योजना और BPL के जो राशन कार्ड बनते हैं वे पूरे क्यों नहीं बने हैं। वे यहाँ पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने मंच पर कलेक्टर को बुलाकर इस तरीके से व्यवहार किया और ये बताने की भी कोशिश की कि अब लापरवाही नहीं चलेगी। ये तीसरा या चौथा मौका है जब शिवराज जी बिल्कुल एक्शन मूड में नज़र आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मंच से ही माफिया को सीधे सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि माफिया वालों सुन लें, प्रदेश छोड़कर भाग जाएं वरना जमीन के 10 फीट अंदर गाड़ दूंगा। इसके अलावा ग्वालियर की बात करें तो एक कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने वहाँ के जो तत्कालीन नगर निगम के कमिश्नर थे संदीप मार्टिन, उनको गंदगी पाए जाने पर हटा दिया था। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि शिवराज जी इतना गरज बरस रहे हैं उसके बाद भी IAS के कुछ अफसरों पर जिनको कहें असर क्यों नहीं हो रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात BJP की करूं, BJP से अनिल चौधरी जी हैं, BJP का पक्ष रखेंगे। नमस्कार। और दूसरी तरफ रिटायर्ड IFS अफसर हमारे साथ हैं आज़ाद सिंह डबास जी, वो यहाँ अधिकारियों का भी पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संस्था चलाते हैं उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो उस नाते भी अपना नज़रिया पेश करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे अनिल जी, सार्वजनिक मंच से ये लगभग तीसरा मौका है जब शिवराज जी इस तरह के उग्र तेवरों में नज़र आ रहे हैं। कलेक्टर को उन्होंने हड़काया और न केवल हड़काया बल्कि ये भी कहा कि संबल योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड और BPL कार्ड बनने थे राशन कार्ड वो क्यों नहीं बने। क्या आपको लगता है अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं या फिर उन्होंने भी तय कर लिया जो नहीं सुन रहे हैं उनको मंच पे ही बुला के लज्जित किया जाए। नहीं, बिल्कुल, जो आज का उनका वक्तव्य आपने अभी बताया और हमने सुना तो उससे लगता है कि अब मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज जी वो दूसरे मूड में आ गए हैं। ये तीसरी पारी है उनकी, चौथी पारी है सॉरी। तो अब जो काम करेगा वही टिकेगा। उनका सीधा सीधा उस मंच से कहने का ये तात्पर्य था कि भाई जो काम दिया है ईमानदारी से करो, गरीबों के हित में काम करो तो ही रहोगे, वरना आपका बिस्तर बोरिया बांध दीजिए। नहीं, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार उन्हें चेतावनी देनी पड़ रही है, इसके बाद भी खास तौर पर IAS अफसर उनकी कुछ नहीं सुन रहे हैं। और ये तो नए IAS अफसर हैं, जबलपुर में अभी जिसको कहें 8वें महीने में ही पोस्टिंग हुई है कलेक्टर की, और 5 महीने में भी अगर वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो इसे क्या माना जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो काम नहीं करेंगे उनको ऐसे ही हड़काया जाएगा, सार्वजनिक तौर पे उनको बोला जाएगा भाई काम करेंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको उसका पारितोष भी मिलेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी किया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत हुआ है। नहीं, ठीक बात है, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी लगभग हर महीने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कलेक्टर कमिश्नर्स की ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और उसमें वो यही बात कहते हैं कि गरीबों का कोई काम नहीं रुकना चाहिए, सुशासन दिखना चाहिए, पर यहाँ सुशासन दिखने की बजाय कुछ और ही दिख रहा है। देखिए, सरकार जो है कोई योजना बनाती है उसका इम्प्लीमेंट कितना होता है, ज़मीन पे कितना उतरता है, ये तो एक मॉनिटरिंग करके, और अगर वहाँ कहीं कमी पाई जाती है तो बिल्कुल, अगर नए हैं पुराने हैं भाई नहीं है काम के बस की तो हटिए, आप दूसरे को मौका देंगे, जो काम करेगा उनको काम सौंपा जाएगा। तो सीधा सीधा उनका कहने का उद्देश्य देता है और शायद इसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल दवा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो अफसरों की क्लास सार्वजनिक मंचों से ली जा रही है, खास तौर पर उन IAS अफसरों की जो अपने आप को खुदा समझते हैं, उनकी ये जो क्लास ली जा रही है इसको कितना उचित मानते हैं आप? मैं समझता हूँ कि पब्लिकली वरिष्ठ अधिकारियों को इस तरह से चेताना और जिस भाषा का उपयोग मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सवाल ये है कि
अभी 11 महीने हुए हैं शायद इस सरकार को आए हुए दोबारा से, 10 महीने कह सकते हैं। इसमें अभी कल परसों एक रिपोर्ट छपा, 3,000 ट्रांसफर हो गए, उसमें लगभग 180 आईएएस अधिकारी थे और 160 के आसपास आईपीएस अधिकारी थे। जब आप ताश के पत्तों की तरह अधिकारियों को फेंटोगे, उनको एक जगह पे काम करने का मौका नहीं दोगे और अपना पॉलिटिकल एंगल से उनकी उनको आप बिसात बिछाओगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। हर 6-8 महीने में अगर आप कलेक्टर को बदल दोगे तो 6 महीने तो जिले को समझने में लगता है, व्यवस्था में आदमी जाता है समझता है। ये जो इतना फ्रीक्वेंट ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, किसी ने कोई शिकायत कर दी किसी विधायक ने, अपने उठा कर अगले ने बदल दिया। अच्छा, ये जनता भी जानना चाहती है आजाद जी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या अखिल भारतीय सेवाओं में कुछ अफसर अपने आप को खुदा मानते हैं। मेरा कहना ये है या जनता का पूछना भी ये है कि जिन कामों को कलेक्ट्रेट में आसानी से हो जाना चाहिए, वो कलेक्टर बैठकर अगर वही काम नहीं करा पा रहा तो वो किस बात की तनख्वाह ले रहा है। नहीं, ये ज़रूर है कि अभी जो है कलेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है उसमें लगातार गिरावट आ रही है और एक कारण मैंने आपको गिना दिया। ये ठीक है पर अगर मान लीजिए कर्मवीर शर्मा जैसे डायरेक्ट आईएएस अफसर मतलब आरआर हैं ये, तो और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने देखा होगा, अभी की नहीं पुरानी भी हम बात कर लें, मध्य प्रदेश में सबसे साफ जिला कोई या सबसे साफ शहर जो आया था वो इंदौर आया, और इंदौर नगर निगम का जो भी कमिश्नर थे मनीष सिंह, वो एक प्रमोटी थे और उस प्रमोटी ने काम करके दिखा दिया नगर निगम के कमिश्नर के जरिए। उस समय तो चूँकि डिप्टी कलेक्टर वाली रैंक मानी जाएगी उनकी, परंतु भोपाल की जो कि राजधानी है, इंदौर से ज़्यादा खूबसूरत है, इंदौर से ज़्यादा संसाधन है, वो पिछले आप देख रहे होंगे 7-8 साल में कहीं नंबर वन नहीं आ पा रहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये भोपाल नगर निगम में आपने देखा होगा हर बार नए नए आईएएस आ रहे हैं और उनको कमिश्नर बनाया जा रहा है, तो ये नई पीढ़ी वाकई या नए जो आईएएस अफसर आ रहे हैं वो सिर्फ कमाने खाने में लगे हैं या अपनी ड्यूटी पर भी ध्यान देते हैं कि कलेक्टर के नाते कमिश्नर के नाते जनता के प्रति उनका क्या दायित्व है? नहीं, मेहनत में तो कमी देखने में मिल रही है। पहले जो अधिकारी आते थे वो बहुत ज़्यादा अपने ड्यूटी के प्रति सजग रहते थे, उसमें कमी देखने में आ रही है। जहाँ तक बात आपने प्रमोटी और आरआर की उठाई, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो प्रमोटी अधिकारी आते हैं वो भी उनका अनुभव बल्कि ज़्यादा रहता है, तो बहुत सारे प्रमोटी अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम भी किया और बहुत सारे आरआर के अधिकारियों ने बहुत खराब काम भी किया। इसको ऐसा मैं कम से कम नहीं देखता। नहीं, ये आपका कहना अच्छी बात है, पर आपको नहीं लगता कि जिस सेवा में वो आए ही इसलिए हैं, उसका नाम ही है सिविल सेवा, जनता की सेवा करना है आपको, आप जनता के सेवक हैं, बैठे हैं एक चैम्बर में, पता नहीं कौन से ऑफिस में बैठ रहे हैं, अभी इधर ऑफिस अभी उधर ऑफिस, ऐसे कबूतर की तरह फुदक रहे हैं, और उन आईएएस अफसरों से जनता त्रस्त हो गई है अब तो कि भाई ये कैसा कलेक्टर या कमिश्नर है जो ऑफिस बैठता ही नहीं है, बैठने का टाइम ही तय नहीं है उसका, मिलने का टाइम तय नहीं है, जनता के बीच जाता नहीं है, क्या मतलब है ऐसे कलेक्टर और कमिश्नर? अब ये तो आप देखिए, एक निर्देश है बरसों पुराना है कि कलेक्टर्स को, कमिश्नर्स को, एसपीज को, आईजीज को महीना में एक आध रात ग्रामीण क्षेत्र में बितानी चाहिए, बिल्कुल, ताकि वो देखें कि किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन कोई नहीं जाता, कोई नहीं रुकता और कोई उनसे पूछता भी नहीं, तो ये किसकी खामी है? मैं तो मानता हूँ ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये पब्लिक में अपना भाषण देने के लिए उपयुक्त हैं बिल्कुल नहीं, पर देखिए व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब अफसर इतने बेशरम और इतने ढीठ हो जाएं, आप देख रहे हैं जैसे कि जबलपुर का कलेक्टर को वो डांट रहे हैं सीएम, तो इसी बात पर डांट रहे हैं ना कि भाई ये क्या मजाक बना रखा है आपने, संबल योजना को के बारे में कहे हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, और उसमें अगर जबलपुर का कलेक्टर ये नहीं तय कर पा रहा है कि साहब सब लोगों के कार्ड बन गए कि नहीं आयुष्मान योजना के, तो ये तो शर्मनाक है ना। देखो तिवारी जी, डांटने वाटने के बजाय अगर एक्शन लेना शुरू करें
क्या लें एक्शन भाई? एसीआर एसीआर में एंट्री करें नॉन परफॉर्मेंस की, प्रमोशंस को रोकें। आप देखें कि आईएएस अधिकारी समय से पहले प्रमोशन पा रहे हैं। 25 साल में प्रमुख सचिव बनना चाहिए आदिलेश चपिए कली, 24 साल में प्रमोशन ले रहे हैं, एक एक साल एडवांस में प्रमोशन ले रहे हैं। छोटे कर्मचारी जो है वर्षों बरस देख रहे हैं, हजारों कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर हो गए हैं। तो इन्होंने जो एक हेजेमनी बना रखी है आईएएस अधिकारियों ने, और एक ऊपर जो प्रोटेक्शन है इन लोगों को, वो कलेक्टर को कमिश्नर, हम तो यही देखते आए, हमने 300 साल काम किया फील्ड में, कलेक्टर को कमिश्नर प्रोटेक्ट करता है, कमिश्नर और पीएस वो एक लेवलिंग है, चीफ सेक्रेटरी मानते हैं कि तो हमारे ब्रदरहुड है, ये हमारी सर्विस है, इसमें किसी का कोई नुकसान ना हो। तो जब जब नुकसान ही नहीं होगा अधिकारियों का, ये डांटने वाटने से कुछ नहीं होने जा रहा। बताइए अनिल जी, डांटने से कुछ नहीं होगा ऐसा इनका कहना है? नहीं तो अब नवाज जी से मैं ही ये पूछूंगा क्या करें। तो बोल तो रहे हैं वो कि सीआर में लिखो ना, जब छोटे कर्मचारी अधिकारियों की सीआर लिखी जा रही है। सीआर भी लिखाएगी, वो विभागीय मामला है, परंतु अगर कोई संज्ञान में मुख्यमंत्री जी के आता है और पब्लिकली आता है, अगर आज वो डांटते नहीं या उनको लताड़ते नहीं, तो आज मेरे साथी ये कहते कि सब उन्होंने कुछ नहीं कहा, हो सकता है कार्रवाई हो उन पे। आज उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, आज उनको थोड़ा सा चेतावनी दी है। देखिए, चेतावनी का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि आपको याद होगा पिछले महीने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई कलेक्टर कमिश्नर की, उसमें खुद सीएम ने ये कहा कि ये जो कॉन्फ्रेंस होती है उनको कर्मकांड ना समझें, जो जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। अब ये निर्देश मिल गए, उसके बाद एक कलेक्टर की या नगर निगम कमिश्नर की क्या जिम्मेदारी है, पालन करें या और चमकाए सीएम को? बिल्कुल पालन करना चाहिए और सख्ती से इसको पे पालन तो करवाना चाहिए। नहीं अगर कर रहा तो जो नवाज जी कह रहे हैं लिखिए उसके एसीआर में कि इसका प्रमोशन ना किया जाए। देखिए निकम्मा टाइप का अफसर है, वो भी होगा, लेकिन नवाज जी ने एक बात भी की, एक जो पूरा वो बना हुआ है तो उसमें जो एक आकाश कैसे टूटेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात कर रही है, तो सुशासन की बात कर रही है, तो जो शीर्ष पर बैठा है जिले में वही आलसी टाइप का आदमी है, चार चार महीने में वो संबल योजना को ही बिल्कुल संबल योजना समझ रहा है, वो तो क्या करें उसका। अगर उन्होंने यहाँ पर कहा है तो अब ये जो है कलेक्टर जो है अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो उनके अफसर हैं, उनसे बात करके इसको मुझे और जनता को ये बताएं कि जिले का कलेक्टर करता क्या है। सुबह से आप जब पूछो तो बोले अगला जो पीए वगैरह रहते हैं ना उनके बोलते हैं साहब मीटिंग में। देखिए ये सुन तो लीजिए, पहले भी हमने कलेक्टर देखे थे, आजकल के कलेक्टर इतने भ्रष्ट और इतने निकम्मे टाइप के हो गए, कई सबकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कई कलेक्टर ना तो उनका सुबह जनता से मिलने का समय, ना शाम को जनता से मिलने का समय। जिस समय जनता से मिलने का और उनकी समस्याएं सुनने का समय होगा उसी समय वो मीटिंग पे होंगे या भ्रमण में होंगे। यही सब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ऐसे निकम्मे अफसरों को आप रखोगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? नहीं ठीक है, आपका कहना कि सारे निकम्मे नहीं है, कुछ हैं, तो उनकी ही तो ये दवा हो रही है ना। ये क्या दवा हो रही है? तो दवा जी कह रहे हैं आज उन्होंने खुले शब्दों में कह दिया कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको छुट्टी करके आपकी प्रॉपर्टी को राजसाज करके गरीबों के हित में वो आपकी जो, अरे ये तो राशन माफिया की बात हो रही है, अभी तो कलेक्टर की जो भी कहा है उन्होंने। हाँ तो कलेक्टर के बारे में कहा गया है ना भाई, ये भाई आप जो ऐसे अनाप शनाप कमाई कर रहे हो ये सब छोड़ के जनता की भी तो सेवा करो। नौकरी में आए नहीं, 5-10 साल हुए नहीं और लगे कमाने भ्रष्टाचार करने। आप देखिए नगर निगम के कमिश्नरों को, आप नगर कलेक्टरों को लगता ही नहीं है कि आईएएस अफसर हैं, ऐसा लगता है कोई आरटीओ का बाबू आबू नहीं बैठा रहता है, या जिसको कहें कौन सा एक्साइज के जो रहते हैं ना दारू विभाग के जो बाबू रहते हैं, पैसे गिनने में ही मस्त रहते हैं बस, उनको इस टाइप के अधिकारी हो गए, बताइए शर्मनाक है कि नहीं है? आपकी बात से मैं बिल्कुल कहीं सहमत हूँ, परंतु ये सिस्टम जो है आज का नहीं है, अब इसको सुधारना धीरे नहीं है, धीरे धीरे सवाल ये, सवाल ये कि दस महीने जो सुन लीजिए 10 महीने हो गए, और अगर डबास जी सवाल उठा रहे हैं कि अखिल भारतीय सेवा के चाहे वो आईपीएस हों चाहे आईएएस हों, अगर उनको लगता है कि ये आदमी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा, वो ऑफिस नहीं जाते, अपने हिसाब से जा रहे हैं। आपने देखा कोरोना पीरियड के नाम पर कई अफसरों ने तो अपने दरवाजे ही बंद कर लिए, कोरोना है बाहर वालों का प्रवेश निषिद्ध है, लिखा है ना कई जगह।
तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मतलब जनता की छाती पे मूंग दलने के लिए ये जो बिठा रखे हैं रावण टाइप के आदमी, भ्रष्टाचार टाइप करने वाले आदमी, तो इनको कैसे आप निजात पाएंगे? ऐसे ही सुशासन आएगा कि बस बोल दिया टांग दूंगा गाड़ दूंगा या फिर बना दो नहीं तो देख लूंगा? देखिए ऐसे आप इसको इतने हल्के भी क्यों ला रहे हैं कि ऐसे ही बोल दिया? हम तो बहुत भारी में ले रहे हैं। आप हमें अगर आप हमें थोड़ा सा हमारा ज्ञान वर्धन ये करें, चेतावनी हमारा और जनता का ज्ञान वर्धन ये करें कि ऐसे निकम्मे अधिकारियों के लिए क्या ऑन द स्पॉट सजा नहीं होनी चाहिए कि जिस जिले के कलेक्टर को, जिस नगर निगम के कमिश्नर को सीएम खुद बोल चुके हैं कि भाई ठीक काम होना चाहिए, नहीं हो रहा तो करो उसकी सीआर में एंट्री। तिवारी जी आप जो चाह रहे हैं वह भी होगा, लेकिन एक बार अगर चेतावनी दी है तो उसमें बुराई क्या है? अरे अगर काम नहीं करेंगे तो निश्चित जानिए बिल्कुल उनपे कार्रवाई होगी। सुन तो लीजिए, चेतावनी देने की भी हद होती है। अब की बार नहीं किया तो चेतावनी, अब की बार नहीं किया तो चेतावनी, ये तो चौथी बार हो रहा है भाई। अब और अगर चौथी बार अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो क्या ये शासन प्रशासन में ऐसे ही चलेगा कि भैया ठीक है उनने काम किया तो किया, नहीं तो वो तो आईएएस अफसर हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। पैसा कमाने आए हैं जनता के। सुन लीजिए आज जो हो रहा है वो मुझे बताइएगा। आज कलेक्टर 20 लाख 22 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, उसका केबिन देख लो तो आप एसी ऐसा लगेगा जैसे राजमहल टाइप बना रखा है उसने। बैठेगा तो ठीक, नहीं तो नहीं बैठेगा। आपने पहले के भी कलेक्टर देखे होंगे, एक सड़ी सी एम्बेसडर में घूमते थे और जनता से मिलने को अभी समय देते थे और जिसको कहें मैदानी भ्रमण भी करते थे। आज कहीं दिखता है आपको कोई ये जो नए कमिश्नर हैं नगर निगम के या कलेक्टर हैं, दिखते हैं आपको? नहीं बिल्कुल करते हैं, दौरे समय समय पे करते हैं। तो करते हैं तो ये इनको इतना नहीं दिखाई दे रहा था कि आयुष्मान के कार्ड नहीं बने हैं? गरीब जनता है बेचारी, अगर उसका इलाज समय पर नहीं वो तो मर जाएगा। बिल्कुल आपका कहना सही है और इसीलिए उन्होंने पब्लिक से सीधा पूछा और नहीं नहीं जब उन्होंने काम किया तो उसकी लताड़ लगाई। आपकी चैनल पे ये चला है तो अगर कार्रवाई होगी निश्चित तौर पे होगी। अगर काम कोई भी सिर्फ जबलपुर को ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कोविड निठल्ले जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टी जल्दी होगी। नहीं तो ये मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी क्या ऐसी निठल्लों की लिस्ट बना रही कि नहीं? कि भाई साहब ये तो सुनता ही नहीं है। आप कह के आए कि आयुष्मान कार्ड बनाना, उसे पता नहीं है। आपने कहा जाति प्रमाण पत्र, आपने कहा मूल निवासी प्रमाण पत्र, आपने राशन कार्ड, मतलब ये छोटे छोटे खसरा खतौनी की नकल, ये किसानों के काम नामांतरण, ये अगर टाइम पे नहीं हो रहे हैं आपको नहीं लगता कि ये चिंता का विषय होना चाहिए? चिंता थी इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और तुरंत ही उस पर उनको चेतावनी देकर छोड़ा। अगली बार कार्रवाई होगी उन पर। अगली बार कार्रवाई होगी? आज़ाद जी क्या सोचते हैं आप, कार्रवाई होगी या ये तो सिर्फ अभी धमकियाँ ही धमकियाँ चल रही हैं? मुझे तो 30 वर्ष से कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, खासतौर से तो 15 वर्ष का। देखिए ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी शिवराज जी को मिला, 15 वर्ष कोई काल होता है मुख्यमंत्री के दौर पर काम करने का? इतना प्रदेश को चमन बना देना चाहिए था, लेकिन घोटाले ही घोटाले, जहाँ देखो वहाँ घोटाले। नहीं तो ये चमन लाल जो हैं, आप देखिए आपने देखा होगा कि आईएएस अफसर एक कान से सुन रहे हैं दूसरे से निकाल रहे हैं, तो इनके इनके लिए और क्या तरीका हो सकता है? उसी पे आ रहा हूँ। देखिए हर आईएएस अधिकारी जो है इस प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी या उसके समकक्ष एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो रहा है। क्या आपने देखा पहले कार्रवाई होते हुए? कार्रवाई नहीं होती, स्कैम हुए हैं, स्कैम आफ्टर स्कैम, ई टेंडरिंग का है, व्यापम का है, अभी सीबीडीटी का एक रिपोर्ट आया है वो है, कितने स्कैम में गिना दूं, हर विभाग के स्कैम है। हॉर्टिकल्चर का भी निकला, प्लांटेशन का, फॉरेस्ट का भी निकला, कितने स्कैम, पोषण आहार का लगातार स्कैम चल रहा है। नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूं इससे कैसे निजात पाई जाए जनता के? सुन तो लीजिए, कलेक्टर की स्थिति ये है, नगर निगम कमिश्नर की स्थिति, ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ ये नगर की सरकारें हैं और नगर में आम जनता को या तो कलेक्टर से काम पड़ता है या नगर निगम कमिश्नर से पड़ता है। दोनों जगह ऐसे नए नए आईएएस बैठ गए हैं, मैंने बताया ना कि वो आरटीओ के बाबू की तरह ऐसी खिड़की खोल के रखी है उन्होंने कि जो पैसे लाए उसकी सुनो और बाकी सबको भगा दो। ये फ़ोन उठाएंगे नहीं, फ़ोन उनके जब देखो तब पता चला वो क्लर्क लेके घूम रहा है उनका। ये मतलब है क्या है ये, और इससे कैसे निजात पाएंगे? देखिए मैं अब आज ही एक रिपोर्ट छपा है, लोकायुक्त पुलिस नगर निगम से एक जानकारी मांग रहा है, एक बिल्डर ने सरकारी जमीन को बना दिया 15 साल से,
ये हालत नहीं, सवाल ये है कि जब तक एक्शन नहीं होगा आईएएस अधिकारियों पे तो कौन लेगा ये एक्शन और कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चीफ मिनिस्टर लेगा, चीफ मिनिस्टर की पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, वो पॉलिटिकल विल शिवराज जी में एब्सेंट है। नहीं आपने नहीं, आप एब्सेंट तो इसलिए नहीं कह सकते, अब उनने कार्रवाई करना शुरू कर दी। आपने देखिए ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर गंदगी को लेकर उन्होंने तत्काल सवाल उठाया, उसने अगले सवाल जवाब नहीं आया, उन्होंने कहा हटाओ इसको वहां। तिवारी जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ट्रांसफर देखिए, ट्रांसफर तो वैसे भी कोई पनिशमेंट की श्रेणी में नहीं आता, तकलीफ जरूर देता है लेकिन कोई पनिशमेंट की श्रेणी नहीं है भाई। लोगों की डी हो, प्रमोशन रुके, उनके खिलाफ रिकवरी हो, करोड़ों करोड़ों के स्कैम करके बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच गए। एक चीफ सेक्रेटरी के तो अभी आजकल में कुछ छापे भी पड़े हैं, वो हो सकता है कल को गिरफ्त में आए, गोपाल रेड्डी का नाम बता आज तक नहीं आया। एक स्कैम में इन्वॉल्व, 700 करोड़ के स्कैम में इन्वॉल्व को चीफ सेक्रेटरी बना दिया। मैं ये पूछ रहा नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नए अधिकारी आ रहे हैं, चूंकि इस स्टेज पे इस तरीके का पहले होता नहीं था, आपने भी देखा होगा कि जिले का कलेक्टर बन रहा है या नगर निगम का कमिश्नर तो पहले बनता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ही घटिया पोस्ट मानी जाती थी। पर आजकल क्या है, जो नए आईएएस आ रहे हैं उनको इसमें भी कमाई दिख रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इस पर कैसे अंकुश लग सकता है, इनकी कैसे जिम्मेदारी तय हो सकती है? अंकुश आप जाँच कराइए और उसको पनिश करिए वहीं के वहीं। ये कहते हैं ना, निप दी इविल इन दी बड, शुरुआत में ही बुराई को दबाइए ना, शुरुआत से ही शुरू हो जाते। चाहे देखो नए आईएएस अफसर चाहे नगर निगमों में कमिश्नर बन रहे हैं या जिला पंचायत में सीईओ, हाँ, सीईओ बन रहे हैं, इन पदों को आप हल्का मत समझिए, बिल्कुल ठीक है। जिला पंचायत का जो सीईओ है, सारा रूरल डेवलपमेंट का फंड उसके माध्यम से जाता है, लेकिन हमारी नजर कलेक्टर की तरफ ज्यादा रहती है। नहीं दोनों ही, हम तो तीनों चीजों को ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए जिले का सीईओ मान लीजिए, कलेक्टर मान लीजिए, नगर निगम का कमिश्नर मान लीजिए, और भी जितनी विकास एजेंसियां हैं उनके जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो वो भी इसी में इन्वॉल्व हैं। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या इनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, या वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी बताते नहीं हैं कि भाई साहब नए कलेक्टर हो, अभी तो नए अधिकारी हो, बाद में कमा लेना, अभी से क्यों काउंटर खोल के बैठ गए? देखो बोलते सब, नहीं है क्या? मैंने सब होता है, सारी ट्रेनिंग होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या होता है, सीएस के कुछ अधिकार हैं कि नहीं चीफ सेक्रेटरी को, क्या उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि सीएम ने आज जब डांटा है तो संबंधित कलेक्टर से स्पष्टीकरण लिया जाए? अब वो सीएस भी अपना उतनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ऑफ लेट ये देखने में आ रहा है, जिस तरह के चीफ सेक्रेटरी की कार्य प्रणाली देखने में आ रही है, चीफ सेक्रेटरी को ही ये सब देखना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। चलिए बताइए साहब अनिल जी, ये बहुत बड़ा सवाल भी है और इस सवाल का मैं जवाब आपसे चाहूँगा, क्या मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तो शासन का मुखिया जा रहा है वहाँ पर, तो शासन के मुखिया की कोई भी कही हुई बात पर चीफ सेक्रेटरी को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी कोई निर्देश देकर आए, उसका हुआ क्या और ये गलती क्यों निकली, क्या स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल निश्चित तौर पर लेना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी हो या कलेक्टर हो या उनसे नीचे कर्मचारी हैं, सबकी जिम्मेदारी तय है, उनको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री उसमें आपसे कुछ कह रहा है तो उसको गंभीरता से लेके, मैं एक उदाहरण देता हूँ आप जी, अभी मुख्यमंत्री जी पिछले महीने ही आपने देखा एकदम आक्रामक मूड में आ गए, भोपाल में निकले घूमने के लिए, भोपाल को सबसे स्मार्ट सिटी बनाना है कहा था ना उन्होंने जी, औचक निरीक्षण किया, नगर निगम के कमिश्नर भी थे, बाकी के अन्य अधिकारी भी थे, हड़काया भी उन्होंने, पर हुआ क्या, मंत्रालय के सामने ही घुमटियाँ लगी हुई हैं, एक वो मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनके ही बंगले पे पंचर की दुकान लगी हुई है, मतलब लगता है ऐसा जैसे मंत्री जी पार्ट टाइम पंचर जोड़ने का काम करते हैं। तो ये मतलब शासन की इमेज बनाने के लिए हैं ये अधिकारी, या मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा, उन्होंने कहा अरे ये तो कहते ही रहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे अधिकारी जो हैं दोषी हैं इस मामले में, और मुझे लगता है कि अगर सीएम जा रहा है या कोई मंत्री जा रहा है तो सिर्फ औपचारिक तौर पे ये दौरे ना करें, उसको गंभीरता से लें, फील्ड में काम करना चाहिए, जितना समय अगर ऑफिस में बैठते हैं तो उनको अपने फील्ड में भी देखना चाहिए। नहीं, आपने देखा होगा, आपने वो व्यवस्था भी देखी होगी कि मान लीजिए पिछली आप टेन्योर में चले जाएं
मैं बात 90 की बात कर रहा हूँ, 90-91-92 की। आपने देखा होगा पटवा जी की गवर्नमेंट बनी थी जी, बिल्कुल। तो बाबूलाल गौर मंत्री जी थे और कलेक्टर कमिश्नर जो भी थे नगर निगम के, वो एक ही व्यक्ति था, वो था एम ए खान जी। और जो भी उस पर आरोप हो, पर उसने शहर को बिल्कुल एकदम व्यवस्थित कर दिया था, जितने अतिक्रमण थे उन्हें साफ कर दिया था और मुख्य मार्ग जो हैं वो चौड़े कर दिए थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब उस समय ये काम हो सकता था, एक प्रमोटिंग कलेक्टर या कमिश्नर ये काम कर सकता था, भोपाल में निर्देश देने के बाद भी ये देखिए, मंत्री के बगल में जो है वो पंचर की दुकान लग रही है, मंत्रालय पे ये मीना बाजार लग रहा है, ये किसकी शह पे लग रहा है? इसमें संबंधित अधिकारियों को पैसा मिलता है भ्रष्टाचार के जरिए, क्या होता है? हाँ बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये इस तरह की सब व्यवस्थाएं ख़त्म होना चाहिए, प्रशासन को सख्ती से ऐसे लोगों से निपटना चाहिए और अपनी कार्य प्रणाली सुधारना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल ईमानदारी से निभाना चाहिए। नहीं तो नहीं निभा रहे ना। अगर सीएम ने पिछले महीने दौरा किया भोपाल का कि सबसे खूबसूरत शहर बनाना है हमको भोपाल को, राजधानी को, ये कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था और बोला था हम चाहते देश का सबसे खूबसूरत शहर बने। ये मंत्री के ही बंगले पे पंचर की दुकान लगी हुई है, तो मैं क्या मान लूँ? मतलब सीएम को ऐसे हल्के में लेते हैं क्या? नहीं हल्के में नहीं, अब ये क्या संज्ञान में नहीं आया होगा। और दूसरा ये है कि संज्ञान में कैबिनेट मंत्री है जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री है बिल्कुल, और ये पंचर की दुकान चला रहे हैं ऐसा लगता है उसमें? बिल्कुल आपका कहना भाई, बाहर से कोई आदमी आए अगर गुजरात गुजरात से आए या और कोई विकसित प्रदेश से आए तो वो तो चौंक जाएगा ना कि भाई मंत्री जी ये पार्ट टाइम काम कर रहे हैं क्या स्वावलंबी योजना के तहत? बिल्कुल सही कह रहा है। और या फिर ये जिसको कहें अधिकारियों ने तय कर रखा है कि सीएम को तो बोलने दो, अपन तो कमाओ खाओ निकलो, ऐसा नहीं? अगर अधिकारी इस तरह से करेंगे तो वो ज्यादा समय अपने पद पे नहीं रहेंगे, उनको जल्दी से ही नहीं, वो तो आप कर दीजिए ट्रांसफर जाएगा। आपने किया तो सही, अगर ग्वालियर से ट्रांसफर कर दिया आपने संदीप माकिन का, तो क्या फर्क पड़ा उस पर? कौन सा आपने उसको अगले को नोटिस दे दिया? देखिए अब एक बताऊं कि जब कर्मचारी जब ऐसे निठल्ले हो ही जाएंगे तो फिर उन पर निश्चित तौर पे सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है आज प्रदेश में, और मुझे लगता है कि जल्दी इस संदर्भ में कड़े फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ अंतिम सवाल आपसे डब्बास जी कि सीएम इच्छा शक्ति तो दिखा रहे हैं, अब बात उठती है प्रशासनिक स्तर पर कि चीफ सेक्रेटरी भी उसको संज्ञान में लें कि अगर सीएम ने सार्वजनिक मंच से इतनी बड़ी घोषणा की है, इतनी बड़ी बात की है, तो उसका पालन हो। मुख्यमंत्री जी अगर भोपाल में निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे ये दिखना नहीं चाहिए व्यवस्था, तो पता चला उनके ही बंगले में चार और ठेले लग गए, ये मंत्री जो हैं वो पंचर की दुकान लगा के बैठ गए, या उनका समर्थक कोई लगा के बैठ गया, या मंत्रालय जहाँ खुद चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं वहाँ ये बाजार लगा हुआ है, सुरक्षा की दृष्टि से भी घातक है, अव्यवस्था भी है, तो ये पैसा कमाने की हद या जुनून इतना है नगर निगम के कमिश्नर में या संबंधित अधिकारियों में कि सीएम को हल्के में ले रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी भी नहीं देख रहे अब तो? नहीं, चीफ सेक्रेटरी को देखना चाहिए, मंथली रिव्यू करना चाहिए, उनके पास एक बैटरी ऑफ ऑफिसर्स हैं, प्रमुख सचिव हैं, ACS हैं हर विभाग के, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि जो कसावट होनी चाहिए वो हो नहीं रही है और वो होती दिख भी नहीं रही है, उसकी संभावना भी मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही। चलिए आपको नहीं दिख रही। यहाँ अंतिम सवाल आपसे अनिल जी कि व्यवस्था में सुधार नहीं आ रहा है, आज भी अफसर जनता के काम नहीं कर रहे हैं, जनता से मिल नहीं रहे हैं, और तो और भ्रष्टाचार को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके से कि सीएम के भी मजाक उड़ा रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि उन्हें किसी की चिंता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो गलत है, और मेरे को लगता है कि इसमें चीफ सेक्रेटरी और शासन को बिल्कुल सख्ती से निपटना चाहिए। यहाँ पर ऐसे कर्मचारियों से बिल्कुल ढिलाई नहीं छोड़ना चाहिए, अगर वो अपने कार्य प्रणाली नहीं सुधारते हैं तो डंडा दे के बाहर करना चाहिए उनको। नहीं, और फिर यहाँ एक बात और भी उठती है ना कि क्यों नहीं उनके प्रमोशन रोकने की बात हो, जब एक छोटे अधिकारी या राज्य प्रशासनिक सेवा के या राज्य सेवा के जो अधिकारियों को जो पनिशमेंट मिलता है वो फिर इन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ ट्रांसफर से कुछ नहीं होगा, निलंबन करना चाहिए या निष्कासित करना चाहिए ऐसे कर्मचारियों को जो जिस काम के लिए आपको रखा है, अगर वो जिम्मेदारी से नहीं कर सकते। सीएम कह रहे हैं, बार बार निर्देश दे रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं, उसका भी परिपालन होगा या ऐसे ही हवा में उड़ाते चलेंगे सब?
देखिए अगर कर्मचारी उनको गंभीरता से लेगा तो बिल्कुल उसका पालन करना चाहिए और उनकी ड्यूटी बनती है उसको पालन करना चाहिए, नहीं तो सीएम स्वतंत्र है उन पर कार्रवाई करने। चलिए मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और चर्चा का सार भी यही था कि अखिल भारतीय सेवाओं के कुछ अफसर अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं, उनके लिए ना तो मुख्यमंत्री के निर्देश मायने रखते हैं और ना ही चीफ सेक्रेटरी का भय। ऐसे में सुशासन कैसे आएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर। Introducing the first ever cotton trousers with four-way stretch. Stretch your limits. Cotton King. Cotton King at MG Road, Kothari Market, Indore. Cotton King at Bittal Market near BSNL, Bhopal.